अरे वाह, आज तो नाश्ते में मेरे पसंद के पराठे हैं। सुनंदा, आज मैं एक ज्यादा खाऊंगा, मना मत करना। जी भर के खाइए जी काका, खास आपके लिए मंजीत ने घी भी बहुत कम लगाया है, नुकसान नहीं करेगा। थैंक यू बेटा। और बिंदिया ने क्या बनाया है? धनिया की चटनी। वो धनिया मैंने काटा, सारे मसाले जानकी ने मिलाए हैं, मैंने बस बिंदिया की थोड़ी सी मदद कर दी, बाकी चटनी तो बिंदिया ने ही बनाई। जी काका लीजिए ना। अभी ढक देते हैं। डैडी जी को भी बापूजी की तरह गरम गरम पराठे बहुत पसंद है, सेम टू सेम। वो आ जाएंगे फिर साथ में ही नाश्ता करेंगे। पर कांति, उन्हें ये भी पता है कि इस घर में ठीक 9 बजे नाश्ते का टाइम होता है और फिर भी वो ऊपर है। Don't feel bad, पर मेहमानों के लिए कायदे कानून बदले भी तो जा सकते हैं ना। डैडी नाश्ता ऊपर ही करेंगे। अरे हाँ, डैडी को नाश्ता करते करते अखबार पढ़ने की आदत है। सुनिए, अब जरा अखबार दीजिए ना। कौन सा अखबार? गुजराती अखबार या इंग्लिश अखबार? मैं भी क्या बेवकूफ जैसी बात करता हूँ, हम डैडी जी हैं तो इंग्लिश अखबार ही पढ़ेंगे ना। तुम अकेली कितना करोगी कोकी, तुम नाश्ता लेकर जाओ, अखबार मैं लेकर आता हूँ। अच्छा तो मैं आपका नाश्ता भी ऊपर ही लेकर आती हूँ। मैं भी यही कहने वाला था, सेम टू सेम। मैं यही सबके साथ नाश्ता कर लेता हूँ। तुम जा ही रही हो तो अखबार भी तुम ही ले जाओ, इंग्लिश वाला। जानकी, मंजीत, बिंदिया, तुम लोग भी ले लो नाश्ता। तो ठीक है, मैं डैडी को नाश्ता देकर आती हूँ, उन्हें गरम गरम नाश्ता करने की आदत है ना। कोकिला बहू जी, द्वारका दास जी तुम्हारे पिता है तो हमारे भी समधी होते हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए उनकी मेहमान नवाजी करने का। नाश्ता मैं लेकर जाता हूं।